सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप देख सकते हो मैं एक बोर्ड लेके आया हूँ एंड गाइस मुझे एक नया ऑर्डर मिला है पेंटिंग का। एंड गाइस केमल कंपनी का जो बोर्ड है आप देख सकते हो पूरा कैनवास बोर्ड A1 साइज का मैं लेके आया हूँ और ये 4x20 36 साइज है इसकी। एंड गाइस आप देख सकते हो इसमें इसका प्राइस जो है आप देख सकते हो 530 रुपये का पूरा ये बोर्ड आया है। एंड गाइस बहुत ही मजा आने वाला है इसके अंदर, हम पेंटिंग बनाएंगे इसके ऊपर। सो गाइस पहली बार कैनवास बोर्ड A1 साइज पर मैं पेंटिंग बनाने जा रहा हूँ। एंड गाइस एक्रेलिक कलर से पेंटिंग बनाऊंगा और साथ ही इस पे जो जिसकी पेंटिंग बनाने जा रहा हूँ वो है जीसस क्राइस्ट। दोस्तों पहली बार जीसस क्राइस्ट का मैं आर्ट बनाने जा रहा हूँ, वो भी कैनवास बोर्ड पेंटिंग बनाने जा रहा हूँ। सो करते स्टार्ट। सो गाइस फाइनली आप देख सकते हो कि जो कैनवास बोर्ड है उस पर स्केच कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइस आप सभी को पता होगा कि मैं बहुत सारा स्केच और रंगोली वर्क ज़्यादा करता हूँ, तो पहली बार मैं कैनवास पर पेंटिंग बनाने जा रहा हूँ और मुझे थोड़ा डर है इस बात का कि कहीं पेंटिंग बिगड़ ना जाए, क्योंकि दोस्तों पहली बार मैं कैनवास बोर्ड पर पेंटिंग बना रहा हूँ, तो देखते हैं कैसी बनती है। चलो करते स्टार्ट। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था कि पहली बार मैं कैनवास बोर्ड पर पेंटिंग बना रहा हूँ, वो भी कलरफुल। सो गाइस मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इतना अच्छा पेंटिंग इस पर बना सकता हूँ और पहली बार मैं इतना अच्छा पेंटिंग बना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और आपको कैसा लग रहा है पेंटिंग एक बार ज़रूर कमेंट में बताएं। एंड गाइस इसको बनाने में मुझे 4 दिन लगे हैं और बड़ी कड़ी मेहनत से मैंने इसे बनाया है रात रात जग कर। तो गाइस प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो एक बार कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। आप देख सकते हो जीसस को मैंने बनाया है, ये मेरा एक पेंटिंग ऑर्डर है जो कि मैंने पहली बार कैनवास बोर्ड पर बनाया है।